यस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये जितने भी बैंक हैं ये बूंदे बूंदे तालाब भर के दोस्तों, और जितने भी स्टॉक हम बताए हैं आपको, ये सभी के किस्मत खुल गई दोस्तों। यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ जो धुआंधार पारी खेल रहे हैं केनरा बैंक और इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले इंट्राडे करने वाले की लग गई लॉटरी दोस्तों। जी हाँ, इंट्राडे करने वालों के लिए बैंकों ने लगा दी लॉटरी। ये जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के सभी लॉटरी, डबल लॉटरी लग गई, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि ये 10 रुपये की लॉटरी खरीदते हैं तो ये 10 लाख बना देगा दोस्तों। जी हाँ, जितने भी स्टॉक्स 50 रुपये से कम के ये जितने भी लॉटरी खरीदे थे सभी के सभी कम से कम 5 लाख की आपको लॉटरी लग गई दोस्तों। सभी बैंक ये 50 रुपये से कम के थे जितने भी हम बताए हैं, और 2 साल से मैं इन सभी स्टॉक को बैंक स्पेशल बैंक की आज इस वीडियो में आपने जाना। और इसके साथ ही साथ पैनी स्टॉक की मैं बात जहां तक कर लूं, इसमें 2 स्टॉक हमारे रडार पे आए दोस्तों, और ये 2 स्टॉक जो हैं आपको ज़बरदस्त कमाई करके देने वाले हैं, और उसका नाम है policybazaar.com PB FinTech लिमिटेड और पेटीएम। जी, उसके साथ साथ जोमैटो को नज़रअंदाज नहीं करना दोस्तों, और जो नज़रअंदाज करेगा उसका नुकसान तो कम होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा अगर वो 1 साल। जी दोस्तों, 1 साल, इसलिए कि फिनटेक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अपने रडार पर रख लो, 1 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ, ये जितने भी 50%, 55%, 60% जो नीचे गए हैं, कभी भी क्रैश होने वाले स्टॉक पे ज़्यादा नज़र रहती है MBA BK सिंह। तो आज की इस वीडियो में बैंक स्पेशल इंट्राडे आज कमाई कराकर दे रहा दोस्तों। जी हाँ, और ये वीडियो आपको आज मालामाल कर देगा दोस्तों। जो भी स्टॉक धारक हमारे इंट्राडे टेक मुंबई MBA BK सिंह चैनल पे आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये सभी के सभी स्टॉक डेली रडार पर रखिए, क्योंकि निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी आपको 45,000 के पार जाने की तैयारी कर लिया है, क्योंकि हमारा इंडियन भारतीय रुपया जो है, पूरे वर्ल्ड के जो करेंसी 190-200 के लगभग जो देश हैं उनकी अपनी अपनी करेंसी होती है, जिसमें top 6 करेंसीज, जिसमें डॉलर, यूरो, चाइनीज यूएन, जापानीज और डीरो जैसे करेंसी, कोरियन करेंसी, सभी जो top 5-6 करेंसीज हैं उनके अपेक्षा 12 साल का हम एनालिसिस करके देखते हैं दोस्तों, तो हमारा रुपया गिरा ज़रूर है,
हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो 12 साल पहले इन 6 करेंसी प्लस में थे, आज के डेट में उस हिसाब से माइनस में है। कोई 20% माइनस में है, कोई 15-15%, कोई 10%, कोई 7-8%, लेकिन हमारा 12 साल पहले 3.5-4% माइनस में था। ये सारे करेंसी जो टॉप प्लस में थे, आज वो भी माइनस में है। उसकी अपेक्षा हमारा करेंसी आज के डेट में माइनस 10% के आसपास है, लेकिन जो प्लस में थे आज 10% तो किसी का नहीं है। सबसे कम पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, उनका तो 24-25% माइनस में है, लेकिन भारत के रुपया जो है उसकी अपेक्षा ज़रूर अच्छी स्थिति में है। और ये लेकर हम कह सकते हैं कि बैंकों की स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ठाना है। क्या ठाना है कि तुम डार डार चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। दोस्तों, अगर तुम फेड बढ़ाते हो, इंटरेस्ट बढ़ाते हो, और 2024 तक फेड बढ़ाने की मूड में है दोस्तों, उसी हिसाब से हमारा आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट उसके अनुसार बढ़ाता है कि हम कभी भी धराशाही नहीं हो, चाहे आप कार लोन लें, होम लोन लें, तो ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त बेनिफिट होगा दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की, इसलिए कि मैं अर्थशास्त्री भी हूँ, इकोनॉमिस्ट, और मैथमेटिक्स हमारा तो सब्जेक्ट ही था। MBA BK सिंह इंट्राडे टेक मुंबई जो चैनल है, आप सभी को बार बार कहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, वो भी हम आपको 100% में 90% सक्सेस और एकदम श्योर और सटीक बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करते दोस्तों। हमने ठाना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जिसको ABCD नहीं आता है, A to Z नहीं आता है, जिनको 1 to 100 गिनती काउंटिंग इंग्लिश में नहीं आती है, जिनको 1 से 100 तक गिनती नहीं आती, जिनको कख ग नहीं आता है ज्ञातक, जिनको आ नहीं आता है, कहने का मतलब बहरे को सुनना, अंधे को देखना, घूंगे को बोलना और लंगड़े को चलना सिखाने के लिए हमारे दोस्तों। और ये क्यों कहते हैं, अंधे को देखना, बहरे को सुनना, घूंगे को बोलना, लंगड़े को चलना सिखाने के लिए MBA BK सिंह आए हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। 2023 के पहले दिन ये राज को खोलेंगे कि ये राज क्या है दोस्तों, ये गूंगे, ये बहरे, ये अंधे, ये लंगड़े की जो भाषा हम बोलते हैं, भले किसी को समझ में नहीं आए हमारी बातें, लेकिन वो राज 1 जनवरी 2023 को खोलेंगे कि हमने क्यों ये सेंटेंस बोलना शुरू किया था। उसकी भी आपको एक वंडर मिलेगा और तब आपको समझ में आए कि हमारी सोच, हमारी दूरदर्शिता, इस चैनल पे जो बने हुए हैं लोग, उनको क्या मिलता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, आपके जीवन में आने वाले हर कदम कदम पर हम आपका साथ देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आई कमिटमेंट टू 100% श्योर एंड श्योर टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ ऑलवेज, बी सिक्योर्ड ऑलवेज इन स्टॉक मार्केट। इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन स्टॉक मार्केट, आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपकमिंग इन स्टॉक मार्केट अपकमिंग। इफ यू फ्रेशर, इफ यू न्यू बिगनर, आई मस्ट वेलकम टू इन इंट्राडे टेक मुंबई। हमारे चैनल आता दोस्तों, हमारे एक चैनल, इस चैनल पे एक एपिसोड आता है सोमवार की बात MBA BK सिंह के साथ, मंडे स्टॉक टू विथ MBA BK सिंह, वो एपिसोड शुक्रवार, शनिवार, रविवार को 3 दिन में 1 दिन जरूर आता है, उसको जरूर आप देखिए, 100 से ज़्यादा एपिसोड होंगे। आपकी स्टॉक मार्केट में आए हैं तो जीवन बदल देगा दोस्तों। चलिए मैं बता दूँ आपको वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की व्यवस्था, इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पर क्या है, भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। जरूर डॉलर वर्ल्ड में मजबूत है, हमारा रुपया गिरता है, उठता है, गिरता है,
हम 1947 की बात करें दोस्तों, तो 1947 में आप नहीं जानते तो जान लीजिए, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, एक डॉलर के बराबर एक रुपया था, जितना डॉलर उतना रुपया बराबर था। उस हिसाब से समय समय पे बढ़ता गया और आज एक डॉलर लगभग 80-82 रुपये के आसपास हुआ है। उस हिसाब से ज़रूर हम गिरे हैं, नीचे हैं, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोर्ट, हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, क्यों ये भारत सरकार की ये ज़बरदस्त प्लानिंग है, तो आपको जान लीजिए। इस वीडियो में मैं बता दूं, हर बार हमारा मूड नहीं होता है, लेकिन आपको आज बता दें, आत्मनिर्भर भारत ही एक ऐसा सोच है, और सोच है सिर्फ दुनिया में नंबर एक बनने के लिए। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस जब तक नहीं होंगे, हम डॉलर को पीछा करके उसके बराबर नहीं कर सकते। अगर हम आत्मनिर्भर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और इम्पोर्ट मतलब कि इनकमिंग, आयात और निर्यात, आयात में सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव पॉइंट है, वो है आपको ऑयल, और इसी को लेके हम मार खा रहे हैं दोस्तों। तो इस ऑयल और पेट्रोल ONGC जो पेट्रोलियम जो हम मंगाते हैं विदेशों से, उसको डॉलर में हमको एक्सचेंज करना पड़ता है, जिसके चलते 40% हमारा करेंसी उसको डॉलर में देना पड़ता है। तो इसीलिए एनर्जी सेक्टर, अगर हम ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारे ईश्वर रूपी जो प्रकाश है, छाया ऊर्जा जिसको बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो हमारे भगवान ईश्वर ने दिया है, अगर उसको हम कमांड करते हैं और अपने पेट्रोल और डीजल की खपत को, आयात को कम करते हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता दोस्तों। और ये वीडियो आप सभी को कम से कम 100 बार सुनना चाहिए कि हमने क्या बोला दोस्तों। तो लग जाइए आत्मनिर्भर भारत बनाने में, मोदी जी के सपनों को साकार करने में। MBA BK सिंह तो लग गए हैं, आप भी लग जाइए। जिसको नहीं आज समझ में आ रहा है, आने वाला उसका पीढ़िया उनको समझाएगा कि क्यों नहीं आप समझे, जब भारत सरकार 2022 में मिशन तैयार कर लिया है 25 साल का, और आने वाला 25 साल जो है दोस्तों, भारत का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में भी आप लग जाइए, और ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जिनको PSU कहते हैं, भारतीय स्टॉक मार्केट में सरकारी जो कंपनियां हैं वो भी अपना बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं दोस्तों, और ये अब पीछे हटने वाले नहीं है। ये 2008-9-10 की बात नहीं है, ये है 2022 से 2024 की बात दोस्तों, ये है 2022 से 2024 की बात, लिख लीजिए, रट लीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि रामराज शुरू हो गया दोस्तों। आज जैसे ही पूरे देश में रामराज लागू होगा, डॉलर की क्या औकात जो हमारे रुपये को कमज़ोर कर देगा। तो आयात पे लगा दीजिए लाल निशान क्रॉस, और निर्यात को बढ़ा दीजिए, और फिर देखिए तमाशा। और वही है इन सभी बैंकों के, इसी के चलते रडार पर रखें दोस्तों, और PSU स्टॉक हमारा मिशन बना है दोस्तों, जी हाँ, और इसीलिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बनने वाला है GDP में और इकोनॉमिक्स में। भारत का पहला राज्य बन गया, 5 एयरपोर्ट्स, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, और एक और एयरपोर्ट जो आपको, और इसीलिए मैं बोला GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कचड़े के भाव में है दोस्तों।
इंटरनेशनल इरकॉन इंटरनेशनल इंजीनियर्स लिमिटेड, वेदांता एनएमजीसी और टाटा मोटर टाटा पावर की बात है दोस्तों, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी, आईओसीएल और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक, और इसके साथ ही साथ खाने पीने के मामला में हम तो आत्मनिर्भर बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जो हम विदेशों से लगभग 13,000 प्रोडक्ट्स को हमने बनाना शुरू किया है और मंगाना कम किया है। आने वाला 2 साल में अगर हमने सब ने ठान लिया दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब ये मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए जितने भी स्टॉक बताएं इस वीडियो में, ये वीडियो नहीं दोस्तों, भारत के लिए और आपके लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए, ये मिट्टी नहीं ये सोना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमारा देश तभी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। हमारी बातें समझ में आई तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।